आज मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ टिप्स इसके बारे में बातें करेंगी। तो नॉर्मल डिलीवरी या वजाइनल डिलीवरी, इसका मतलब है कि जो डिलीवरी नेचुरल रूट से हुई है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान हमें शुरुआत से ही रखना पड़ता है, जिसमें नंबर वन है एडिक्वेट डाइट। डाइट एक संतुलित होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, आयरन अच्छे से लिया गया हो, फाइबर रिच हो, जिससे आपकी बॉडी पे इजीली कोई अफेक्ट ना पड़े। दूसरा है वेट गेन। प्रेगनेंसी में वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वेट गेन कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट कितना था। तीसरा है एक्सरसाइज, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग, और वॉकिंग अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग तरीके से की जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या पहले 3 महीने में 2 से 3 किलोमीटर, और हमें इसको जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है उसको बढ़ाना चाहिए। अदर एक्सरसाइजेस लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम, लेग रेजिंग एक्सरसाइजेस, पैर उठाने वाली एक्सरसाइजेस, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस एंड स्क्वाट्स, ये आपको प्रेगनेंसी में करते रहना चाहिए। अंत में मैं अपनी बात ये कह के ख़त्म करूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट डिलीवरी। ये 1 दिन का पेन या 2 दिन का लेबर पेन आपको आगे ज़िंदगी भर के लिए आपको एक सिजेरियन से बचाएगा। थैंक यू।